वो मरीज़ जिनका हमने डाइट टेस्ट किया, उस पर ट्यूब ओपन आई, क्या उनको सारी ज़िंदगी नॉर्मल उसका ही कंसेप्शन का ही इंतज़ार करते रहना चाहिए, या अगर उनको कभी साल दो साल कितना अर्सा वेट करना चाहिए? ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि अगर आपके मियाँ का टेस्ट भी ठीक है, आपका एग भी बन रहा है और आपकी यूट्रस भी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उस पर बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि जी हमारी एक ट्यूब बंद है और एक ट्यूब है सिर्फ, तो आज हम देखेंगे कि जो एक ट्यूब वाले मरीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या एक ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो किस तरह से हम उसको जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। इसके अलावा आपके लिए मैंने फेसबुक के ऊपर गायनी सॉल्यूशन के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करें। उसके बाद जो है वो हम अपनी उसमें एंट्री करेंगे और उसमें आपके जो मोटे मोटे मसाइल हैं उनके ऊपर आप लोग भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ात क्या होता है कि एक फ़ीमेल एक मसले के साथ गुजरी होती है तो वो दूसरी को बाज़ात ख़ुद अच्छी एडवाइस दे सकती है, तो उसको आपने ज्वाइन करना है। मैं मीनवाइल उसको जो है वो उसके अंदर अपनी वो करती रहूँगी। बिलीव मी और नॉट, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है और इसी वजह से मेरी कुछ वीडियोज़ भी पिछले दिनों लेट भी हुई हैं, तो मैं अपनी बड़ी कोशिश करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आती होंगी। आज हमने बात करनी है कि अगर किसी फ़ीमेल के अंदर एक ट्यूब है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, और इसके साथ क्या प्रेगनेंसी मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कितना इंतज़ार किया जाए। तो सबसे पहले तो देखें कि नॉर्मल जो आपका है वो ये होता है कि हर ओवरी के साथ एक ट्यूब होती है, यूट्रस है और यूट्रस की साइडों से ट्यूब्स निकल रही हैं जो कि बिल्कुल ओवरी के पास आके खुल रही हैं, और क्या होता है जैसे ही एग प्रोड्यूस होता है तो ओवरी उसको अपने अंदर सक कर लेती है, और सॉरी प्रोड्यूस होता है तो ट्यूब उसको अपने अंदर सक कर लेती है, और वहीं पे ही क्या होता है अंडा जो है वो बच्चे के साथ स्पर्म के साथ मिलता है और बच्चा बनता है और वो वापस यूट्रस के अंदर जाके चिपकना शुरू कर देता है। अब एक ट्यूब की क्या वजूहत हो सकती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर उनकी एक ट्यूब होती है, ये बहुत ही रेयर होता है, और कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी होती है और वो ट्यूब के अंदर हो जाती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से उस ट्यूब को काटना पड़ जाता है पेशेंट की जान बचाने के लिए, तो अब उनके पास जो दूसरी ट्यूब है वो रह जाती है। अगर तो वो देखने में ठीक है, सही है, हेल्दी है, तो बहुत अच्छी बात है, वो उसे एक ट्यूब के साथ भी कंसीव कर सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जिनकी किसी इन्फेक्शन की वजह से एक ट्यूब बंद हो गई और दूसरी ट्यूब जो है वो खुली है, तो उनके लिए जो है वो मतलब प्रेगनेंसी का क्या तरीकाकार होगा? तो सबसे पहले तो आपने इनफर्टिलिटी के अगर आप पेशेंट हैं तो आपने अपनी ट्यूबों के लिए सादा सा हिस्टेरोसेल्पिंगियोग्राफी का टेस्ट होता है, जिसमें मैं पहले भी आपको बताया था कि एक डाई डालते हैं एक नाली के ज़रिए से बच्चेदानी में, और वो सारे रास्ते को ट्रेस करता है, वो ट्यूबों से होता हुआ देखते हैं कि वो आपकी अंडादानियों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, जहां से अंडा रिलीज होना। अगर तो वो डाई वहां तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा रास्ता ओपन है और जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं वो भी अंडे को जाके मिल सकते हैं और हमल हो सकता है। कुछ पेशेंट हमारे साथ पास आते हैं और वो हमें ख़ुद बताते हैं कि हमारी एक ट्यूब के अंदर हमल हुआ और दूसरी जो उसको फट गया, या वो हमल जो था वो ऑपरेशन के दौरान ट्यूब जो थी वो निकालनी पड़ गई, तो अब हमारे पास एक ही ट्यूब है। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती? कुछ पेशेंट का जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लगता है। इन सारे मरीज़ों के लिए ये चीज़ है कि अगर आपके हस्बैंड के टेस्ट ठीक हैं और आपकी जो एक ट्यूब है वो टेस्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर है, उसमें से डाई पास कर रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी मुमकिन है। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि वो मरीज़ जिनका हमने डाई टेस्ट किया, उस पर ट्यूब ओपन आई, क्या उनको सारी ज़िंदगी नॉर्मल उसका ही कंसेप्शन का ही इंतज़ार करते रहना चाहिए, या अगर उनको कभी साल दो साल कितना अर्सा वेट करना चाहिए? ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि अगर आपके मियाँ का टेस्ट भी ठीक है, आपका एग भी बन रहा है और आपकी यूट्रस भी ठीक है और आपकी जो बाकी कंडीशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो आपने
पूरा एक साल मज़ीद इंतज़ार करना है, ट्यूबों के टेस्ट के बाद मज़ीद एक साल इंतज़ार करना है। लेकिन हम कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ट्यूबों का टेस्ट बहुत लेट कराते हैं, जाके 35-36 साल की उम्र में कराते हैं, तो उनके लिए ये है कि आपने इंतज़ार नहीं करना। अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब आपने ट्यूबों का टेस्ट कराया और एक ट्यूब खुली आ रही है और दूसरी ट्यूब बंद आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी उस ट्यूब में से प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक ट्यूब बंद है, दूसरी खुली ज़रूर है लेकिन फंक्शनल नहीं है वो ट्यूब। क्यों? अगर वो फंक्शनल होती तो पिछले 10 सालों में आपकी प्रेगनेंसी हो जानी थी। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप टाइमली IVF पर चले जाएं, बजाय इसके कि आप इनफर्टिलिटी का शिकार रहें सारी ज़िंदगी और आगे आपके साथ मसाइल रहें, तो आप टाइमली इनफर्टिलिटी जो है वो IVF ऑप्ट कर लें। लेकिन वो लोग जिनकी अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और अभी अभी ट्यूब रिमूव हुई है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अभी साल दो साल वेट कर सकते हैं वो उस ट्यूब के साथ, और यूजुअली देखा ये गया है कि 1 ईयर के अंदर अंदर ये लोग कंसीव कर लेते हैं। अगर ये एक ट्यूब वाले एक साल के अंदर अंदर कंसीव कर लेते हैं तो इनके वेल एंड गुड। अगर ये एक साल के अंदर कंसीव ना करें तो यूजुअली देखा गया है कि बहुत ही कम परसेंटेज है जो दूसरे साल में कंसीव करती है। तो उनको हम कहते हैं कि आप IUI की तरफ आ जाएं। लेकिन अगर IUI की तरफ आप आ गए हैं और आपका IUI से कंसीव नहीं हुआ, तो फिर आपने IVF के ऊपर जाना है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास अकलमंद होते हैं, वो आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम IUI के बजाय डायरेक्ट IVF ऑप्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन हो जाता है, क्योंकि IVF में अब जो है वो सक्सेस रेट IUI की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब वो लोग जिनका कुदरती तौर पे है ये एक ट्यूब और वो जो है वो उनकी अब शादी हुई है और उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको हम ट्यूब टेस्ट के बाद उनको हम कहते हैं कि आप इंतज़ार करें ताकि आपकी जो है वो नेचुरल कंसेप्शन का इंतज़ार किया जाए और बहुत जल्दी आप जो है वो IUI की तरफ ना जाएं। क्योंकि जो कुदरती तौर पे एक ट्यूब बनी है, अगर वो खुली है तो इसका मतलब है कि वो अपना काम कर रही होगी, बनिस्बत उन लोगों के जिनकी एक ट्यूब ख़राब हो गई, बंद हो गई और दूसरी ट्यूब जो है वो खुली हुई है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर एक बंद है तो दूसरी को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन बहरहाल कुछ देर तक इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो 4, 5, 6, 7 साल इकट्ठे रहने के बाद ट्यूब का टेस्ट करते हैं और एक ट्यूब बंद आई है और एक खुली आई है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी का वेट ना करें, आप डायरेक्टली IVF पे जाएं, क्योंकि आपका अगर टाइम ज़ाया हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। मेरे क्लिनिक के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट 45-50 वाले आते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो पेशेंट जो होती हैं इनफर्टाइल कपल मीनोपॉज के बाद आ जाते हैं कि जी अब मेंसेस स्टॉप हो गए हैं तो आप बताएं कि IVF कैन हेल्प देम। नहीं, फिर हमें अनफॉर्चुनेटली उनको बताना पड़ता है कि IVF इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। IVF के बेस्ट रिजल्ट्स हैं यंग कपल्स के अंदर, स्पेशली 35 से ऊपर के। 35 से नीचे वालों को हम रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन ये है कि देखने में ये आया कि उनके रिजल्ट्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एज डज मैटर इन IVF प्रेगनेंसीज। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाई थी। वो लोग जिनकी ट्यूब्स एक हैं, जिनकी एक ट्यूब बंद एक खुली है, या जिनकी एक ट्यूब कट गई है, इन तीनों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। फर्दर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।